इट वॉज वेरी गुड. आई केम लिटिल लेट, मैं थोड़ा लेट आया, लेकिन इस्लाम का तरीका थोड़ा कुछ तो मैं जानता हूँ, लेकिन आप उस पर लाइट डालिए कि स्पाउसेस को कैसे चूज करना चाहिए, इस्लाम क्या बोलता है, क्या तरीका होना चाहिए कि स्पाउस को चूज करना. श्योर. देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, स्पाउस ये तो बिल्कुल अच्छी बात है ना. अभी ये तो वो वाली बात हुई, एक शख्स ज़री पे गया और दुआ मांग रहा था, अल्लाह मुझे औलाद दे, अल्लाह मुझे औलाद दे. पीछे बड़ा खड़ा हुआ बंदा देख रहा था, उसने बोला इतनी शिद्दत से औलाद की दुआ मांग रहा है, बेचारे की औलाद नहीं है, अपना बच्चा उसकी गोद में डाल दिया. तो उसने कहा कि ये कहना आप औलाद मांग रहे हो? कहते नहीं, मैं औलाद का मुकदमा भी मांग रहा हूँ, यानी मुझे शादी पहले होगी तो मुझे औलाद होगी. तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि बच्चे की तरबियत तो बाद में करें, पहले स्पाउस को तो सिलेक्ट कर लें. तो देखिए इस्लाम जो है वो बड़ा क्लियर है, मतलब धुंधला नहीं है. इस्लाम में एक स्पाउस का जो सिलेक्शन है ना, पहली चीज़ दीनदारी है. यानी वो शख्स, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो आप लड़की ढूंढ रहे हो, उसके अंदर दीनदारी क्या है. और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उस जिस फैमिली में उसका ब्रॉटअप हुआ हुआ है, जाहिर है जैसी फैमिली होगी ब्रॉटअप रेयर होता है, ऐसा होता है कि फैमिली बहुत अच्छी हो औलाद खुदा ना खास्ता ख़राब हो जाए, या फैमिली अच्छी ना हो औलाद अच्छी आ जाए. लेकिन पहली चीज़ यही देखी जाती है इस्लाम रिवायत में है कि अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा रिश्ता आए, ख़ास तौर पर दीनदार रिश्ता आए, तो उसको मना मत करो. बाकायदा स्ट्रिक्ट है. क्यों? क्योंकि अगर तुमने उसे वापस भेज दिया तो माशरे में फसाद होगा, यानी माशरे में बदअखलाकी और ये सारी चीज़ें पहन जाएगी. पहली चीज़ आपने जो स्पाउस सिलेक्शन में, चाहे अपने बेटों के लिए देख रहे हो, आप अपनी बेटी के लिए देख रहे हो, या खुद इंडिविजुअल हो, दीन इम्पॉर्टेंट है. देखिए एट द एंड सब ख़त्म हो जाएगा, रोज़ क़यामत में माल वाल सब ख़त्म हो जाएगा. वो जो दीन होगा ना, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर दीन है ना तो सब कुछ बच सकता है. तो पहली चीज़ तो दीन है. फिर दूसरी, बहरहाल आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं, उसके अंदर से उसको, उसको वहाँ रहते हुए उसका, उनकी किरदार, उनकी सीरत. और हम कफ होना बड़ा इम्पोर्टेंट है. हम कफ होना यानी जिस लेवल पर इंसान खुद होता है ना, उसी लेवल पर उसे जो है वो स्पाउस को देखना चाहिए. ये जो सोसाइटी में डिसबैलेंस है समटाइम होता है, उसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात या फाइनेंशियली बैलेंस नहीं होती फैमिलियाँ. एक को घमंड होता है कि मेरे पास ज़्यादा है, वो कहती है कि मैं अमीर घर से आई हूँ तो मैं अलग बिहेव करूँगी. दूसरा कहता है कि नहीं हमारा घर जो है. तो यहाँ पर हम कफ होना सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, बल्कि और भी मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको सामने रखते हुए, इवन कल्चर, इवन सोसाइटी ब्रॉटअप, ये भी हम कफ के अंदर आता है, एजुकेशन लेवल, ये सारी चीज़ें. तो ये बहुत आप स्टेप बाय स्टेप उतरते चले जाते हैं. थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब शादी से पहले ये जो गुफ्तगू है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. यानी आप बात ज़रूर करें. बाज़ औक़ात क्या होता है कि शादियां फैमिली के प्रेशर में हो जाती हैं, वो मेरे जानने वाले हैं, वो अम्मी अब्बू के जानने वाले हैं, वो फलाने रिश्तेदार हैं, वो ये हैं वो हैं. आप शादी तो कर देते हैं, लेकिन वो दोनों एक ईस्ट है एक वेस्ट है, उनकी सोच उनकी मैंटेलिटी है ही नहीं रही है. तो क्या होता है, थोड़े दिन मामला चलता है और फिर उसके बाद मुश्किल आना शुरू. तो आप एटलीस्ट गुफ्तगू करवाएं शादी से पहले. मुजायका नहीं है, इस्लाम कहता है आप बात कर सकते हैं हिजाब के अंदर फैमिली के साथ. आप कम से कम विजन दे सकते हैं कि मेरा विजन ये. अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है क्या आती है कि जी घर वालों ने शादी कर दी, जाहिरन दीनदार फैमिली थी, लेकिन जैसे ही शादी हुई है तो हमें पता था सम लड़के का ताल्लुक तो दीन वीन से इतना कोई है ही नहीं. बस ठीक है नमाज पढ़ता है, लेकिन उसकी उसकी सोच और सब मज़हब मज़हब है ही नहीं. वो तो बहुत ज़्यादा उस तरह वो है ही नहीं. आजकल तो बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन आना शुरू हो गए. उसकी वजह क्या होती है कि आपने पहले बात नहीं की. और जो इस टाइम जो प्रॉब्लम है सोशल मीडिया की वजह से, इस टाइम हमारी दो पर्सनैलिटीज़ हैं जो हमें प्रॉब्लम हो रहा है. एक पर्सनैलिटी वो है जो मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, एक मेरी और पर्सनैलिटी है जो मेरी छुपी हुई है, जो मेरी सोशल मीडिया पर है. यानी सोशल मीडिया पर ये नहीं कि मतलब मेरा मेरा पेज कैसा है ना, सोशल मीडिया पर मेरा अपना यूज़ और मेरा बिहेवियर. तो अभी क्या है कि हम दो आइडेंटिटी के दरमियान में क्लैश कर रहे हैं, एक जाहिर और एक मेरी खलवत, मेरी तन्हाई. उसने मेरी एक आइडेंटिटी चेंज कर दी है. यानी इंसान बाज़ औक़ात शर्मिंदा होता है,
अपने आप पर कि यू क्या कर रहा है, वो क्या चीज देख रहा है, क्या सोच रहा है। इस टाइम हम लोग दो पर्सनैलिटीज के शिकार है, होता यही है, हम सामने देखते हैं शादी करते हैं, पर्सनैलिटी कुछ और होती है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अब तो पहले ज़माने में आप जाते थे ना चेक करते थे शादी के लिए कि लड़के का जॉब में जाकर चेक करें, मोहल्ले में जाके चेक करें, अब यू हैव टू चेक सोशल मीडिया कि ये फेसबुक पे इसके दोस्त कौन है, ये फेसबुक पे अपलोड क्या करता है, ये इंस्टाग्राम पे क्यों, क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी है जो अंदर छुपी हुई है जो हमें नज़र नहीं आ रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर के अंदर अगर हम स्पाउस को देखें। मेरे ख्याल में अगर हम अपने बच्चे की तरबियत से, मैं अभी चाहूँ मेरे बेटे की शादी, मेरी बेटी की शादी हो, मैं उनके अंदर खुदा की मोहब्बत पैदा करूँ, खौफ खुदा, और उन्हें बताऊँ कि ये दुनिया लिमिटेड है, ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए उस हदफ की तरफ बढ़ो, चाहे रिश्ता हो, चाहे शादी हो, चाहे औलाद हो, उसको उस तरफ बढ़ाओ कि वहाँ कामयाबी चाहिए। तो यहाँ अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम भी है ना, सॉल्व हो जाएंगी। तो बहरहाल उम्मीद है इंशाल्लाह खुदा, मैं तो नहीं दुआ करूँगा अपने लिए, जिनको अपने स्पाउस करनी, खुदा उनको अच्छे स्पाउस दे, सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बहरहाल किसी ने सवाल किया है कि अपनी उनकी बच्ची जो है वो बालिग हो रही है तो उनको क्या करना चाहिए। देखें बड़ा बेसिक्स है, इस्लाम में बेटा और बेटी दोनों को कहा गया है कि इनको पहले से 7 साल से इनको नमाज की आदत डाल दो, यानी जब वो 7 ईयर्स का है। बेटा बालिग होता है ऑलमोस्ट 14-15 के आसपास, डिपेंड करता है, बेटी बालिग हो जाती है 9 साल में, लेकिन जब आप उसको 7 साल से आदत डालते हैं नमाज की, हिजाब की, ये सारी चीज़ें, तो उसे एकदम चेंज जो है ना वो बुरा नहीं लगता। लेकिन अब आप एकदम समटाइम, अब बच्ची बालिग हो रही है वो उसको, तो अब आपको बहरहाल मुश्किल होती है, तो बेहतर ही होता है कि अव्वल तो पहले से शुरू करते हैं। दूसरा ये कि आपको उसको जो बेसिक्स हैं वो आपको बताने हैं, क्या है कि अब नमाज आपके ऊपर वाजिब है, ठीक है, तो अहकाम वाजिब हैं, तो आप उसको सारे अहकाम सिखाएं, वज़ू सही आना चाहिए, अब वो वज़ू बच्चों की तरह नहीं कर सकती क्योंकि नमाज नहीं होगी उसकी, गुस्ल आना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट महरम ना महरम, यानी कौन उसके महरम है, कौन उसके ना महरम है, किसके सामने उसे हिजाब में आना है, किसके सामने उसे हिजाब में नहीं आना। खूब ये आपको उसको सिखाना है, इसमें आप ये नहीं कहनी, नहीं अभी तो बहुत छोटी है और यूं है और वो, नहीं, अगर छोटा बड़ा होना इतना इम्पॉर्टेंट होता तो खुदा हमसे ज़्यादा जानता था, तो फिर खुदा बच्चे को, बेटी को 9 साल में फिर बालिग नहीं करता। जब खुदा कह रहा है कि हो रहा है तो इसका मतलब है खुदा बेहतर जानता है, हम खुदा खालिक है हमारा, हम लोग तो ज़्यादा मखलूक हैं, तो हम लोग बातों का कहते हैं नहीं नहीं मौलाना साहब बच्ची तो छोटी है ना, इट्स जस्ट स्मॉल है ना, अभी क्या ज़रूरत है इसको रोज़े रखने की, और इस वो वीक, शी इज़ वीक, और अभी इतना हिजाब हिजाब की भी क्या ज़रूरत है, अभी तो कज़न्स हैं और ये हैं वो, तो खुदा के मुकाबले में आ रहे हैं, जिस खुदा ने हुक्म जारी किया है काम है उसके मुकाबले में आ रहे हैं, तो बेहतर है कि हम उसकी अभी से जो है वो तरबियत करें। सलावत भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये सवाल भी बड़ा जनरल सवाल है और ये सवाल भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा है पूरी दुनिया में कि दो लाइफ पार्टनर के दरमियान में एक रिलीजियस नहीं हो और एक रिलीजियस हो, तो यहाँ पर बच्चों की तरबियत में बड़ा मुश्किल हो जाती है। मतलब अगर जो है वो हस्बैंड रिलीजन बहुत दीनदार है और वाइफ जो है वो शायद इतना ज़्यादा दीन की नहीं करती है, शायद हो सकता है हिजाब की इतनी केयर ना करती हो, तो वो बच्चों की तरबियत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। या मतलब महरम ना महरम रिलेशनशिप्स का होना, चीज़ों का ख्याल ना रखना, इबादत का ख्याल ना रखना उस तरह, तो वो बच्चों की तरबियत में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर देखें एक तरीका तो ये है कि बहरहाल दोनों में से स्पाउस जो भी है अपनी ड्यूटी तो निभाएं, जो आपकी ड्यूटी, सेकंड ये है कि बहुत सख्त ना हो दूसरे के। देखें आप अपने स्पाउस को भी एज अ प्रोडक्ट जो है ना वो करें कि जिस तरह बच्चों की तरबियत करनी है तो उसकी भी तरबियत करनी है। अगर मुझे कुछ चीज़ें ज़्यादा आती हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपनी वाइफ पर डोमिनेट हो जाऊँ,
या मैं उसको बार बार बोलूँ कि तुम आपको क्या पता, आपको नहीं आता, आपको बच्चों की तरबियत नहीं आती, आपको ये नहीं आता, वो इस्लाम ऐसे नहीं सिखाता। इस्लाम तो सिखाता है कि यू हैव टू मोर हम्बल, मोर डाउन टू अर्थ, मोर लविंग, मोर केयरिंग और मोर अट्रैक्टिव। हमारा क्या होता है कि जो ज़रा सा मजहब को ज़्यादा जानता है फैमिली में, वो क्या करता है, वो दूसरों को रिपेल करना शुरू कर देता है। वो हर मामले में इतना सख्त हो जाता है, खातून भी बाज इतनी ज़्यादा सख्त हो जाती हैं कि वो फिर दूसरे फैमिली के लोग बड़े अजीब से हो जाते हैं। तो देखें, हो सकता है जिस तरीके से आप चीज़ों को समझ रहे हैं सामने वाला नहीं समझता हो, तो गिव देम रूम और आप उसके हवाले से देखें। देखें, कभी किसी से नफरत नहीं करें, मैंने पहले भी अर्ज किया, शख्स से नफरत नहीं करें, उस बुराई से नफरत करें जो उस बंदे के अंदर है और उसकी ट्रीटमेंट करें, उसको ट्रीट करें। अगर दोनों में आपस में मुश्किल है तो पहली बात तो यह कि बहरहाल घर का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। आप अपने हस्बैंड को या हस्बैंड वाइफ को मोहब्बत, केयरिंग, जो आपकी ड्यूटी है, चाइल्ड ड्यूटी। बड़ा मशहूर वाक़ मखल में हारून के ज़माने का वाक़ उसका एक वज़ीर था और वो कहीं दश्त से कहीं बयाबान से जा रहा था तो उसने देखा एक जगह खेमा लगा है, उसको बड़ी प्यास लगी, वो रुक गया। उसने देखा कि एक बहुत ही अरब की खूबसूरत औरत है उसके अंदर, उसने उसको पानी पिलाया, उसको बोला कि थोड़ी देर में देखा कि उसके चेहरे का रंग अचानक से चेंज हुआ, देखा कि धुआं उठ रहा है, देखा कि कोई सवारी आ रही है, तो देखा तो घोड़े पे सवार आया और अजीब सी उसकी शक्ल है, अजीब ख़राब सी शक्ल है, अजीब उसका, और ये एकदम भागी। पानी, इसने मुझे पानी नहीं दिया, उसने मुझे, जब मैंने उसे कहा था ना पानी का, पानी इतना ही है जो मेरे हस्बैंड के लिए दूध है, मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ, उस पानी से जो मुझे पिलाने को नहीं दे रही थी, उस पानी से उसके पाँव धो रही है। और इतना वो बद अखलाक आया, उसने मेरी तरफ भी तवज्जो नहीं दी, मैं उठ के बाहर ही निकल गया। मैंने उस खातून से कहा कि तुम्हें अल्लाह ने इतनी अच्छी शक्ल सूरत दी, ये तुम्हारा जो भी है हस्बैंड है या जो भी है, तुम उसके साथ इसका किरदार देखो, इसका अखलाक देखो। उसने क्या कहा, उसने कहा मगर तुमने रसूल खुदा से नहीं सुना कि शौहर की खिदमत ही एक खातून के लिए सबसे बड़ी इबादत है। अब ये जो इंसान करेक्टर है, हम बाज़ोकात क्या कहते हैं कि यार मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी वाइफ का तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, नॉलेज भी उसकी वो नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, हम इंसान ऐसी है। अच्छा, ये आज क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि आज हमारे पास फेक वर्ल्ड ज़्यादा है। आज वी एवरी वन सींग आउटसाइड, एक्चुअली हमें दुनिया ने बना भी ऐसा दिया है ना, हर चीज़ खूबसूरत दिखाना, ये दिखाना, वो दिखाना, किरदार ऐसे दिखा दिए, हम उनको ढूंढ रहे हैं घरों के अंदर, जबकि उसमें से मोस्टली करेक्टर फेक हैं, असल उनका ताल्लुक दुनिया से नहीं है। ये जो ड्रामों के अंदर, ये जो चीज़ों के अंदर, ये जो नेटफ्लिक्स के सीजन में आप चीज़ें देखते हैं, इट्स नॉट रियलिटी, रियलिटी नहीं है। हम उनको ढूंढ रहे होते हैं घरों के अंदर, वो घर में थोड़ी मिलेंगे भाई, वो LV के स्टोर में मिलेगा, वो GQ के शोरूम में होगा, घर के अंदर नहीं है वो। आप उसको कहाँ घर के अंदर ला रहे, घर के अंदर जो घर है उसको अच्छा करें, और वो किरदार अंदर है, अंदर बातिन है, बातिन खूबसूरत होना चाहिए। ठीक है, जाहिर भी ज़रूरी है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मियाँ बीवी जो है वो, सलाम कहता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए, ख़ासतौर पे बीवी के लिए, कि वो अपने शौहर के लिए जीनत बने। यानी बाज़ों का तो हमारे यहाँ उल्टा होता है, घर के अंदर हालत ऐसी होती है, शौहर कहता है कि मैं बाहर ही चला जाऊँ, लेकिन जब कहीं दावत में जा रहे होते हैं तो खातून भी तैयार हो रही होती है। मर्द का भी यही हाल है, मर्द भी जो है वो ऑफिस की मीटिंग में जा रहा होगा, कहीं जा रहा होगा तो बहुत अच्छे कपड़े पहन के चला जाएगा, और वाइफ और उसके लिए तो अपने आप को, तो ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, एंड दिस प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सोशल मीडिया देखते हैं, जब हम सोशल मीडिया देखते हैं तो हमें हर कोई बना बना हुआ बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा होता है, तो अब हम देखते हैं लोग हमारे घर में तो ऐसा मामला ही कोई नहीं है, तो फिर क्या होता है, आदमी खट 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 शुरू हो जाती है, चीज़ें होती हैं। ये हमारा अपना प्रॉब्लम है कि वी डोंट रियलाइज़ कि हमें मियाँ बीवी को आपस में जो एक क्वालिटी टाइम है ना, वो हम कितना गुजारते हैं, हाउ वी टॉक ईच, हम अपने बात कैसे करते हैं। इस्लाम कहता है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जौजा से, चाहे वो हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, मोहब्बत का इजहार करो, मोहब्बत का इजहार करो, कहो उससे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अभी बंदा कहता है यार इतना मुश्किल काम है ये बात, कैसे, मैं मर्द,
मैं नॉट पॉसिबल, कैसे कहूँ मैं। अच्छा, आजकल की बीवियाँ भी ऐसी हो गई कि आप कहो तो कहती है डायलॉग ही है ये, ओरिजिनल हमें भी पता है। श्योर, नो प्रॉब्लम, आप चाहे जब भी आप कभी फूल लेकर आ जाओ। मसला है कि आजकल का मर्द ना वो हो गया है कि उसको तोड़ना अपने आप को आसान नहीं लगता। मैं फूल लेकर आऊँ, अब ये मैं मौलाना होते हुए यार सोचो फूल लेके जाओ, यार क्या सोचो, तो लेके जाओ भाई, क्या हो गया मौलाना, तो क्या हो गया, लेके जाओ, मर्दस डे, वुमेंस डे, बर्थ डे, जो भी भरल गुड टाइम। क्यों? क्योंकि अगर ये रिलेशन ठीक नहीं है, औलाद गई। जब बच्चा देखता है कि मेरे माँ बाप खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, द बेस्ट टाइम इन द फैमिली। मैं खुद अपनी फैमिली को, जो मेरी फैमिली में बेस्ट टाइम होता है, पूरी फैमिली बैठी हुई हो एंड हम हंस रहे हो, मैं समझता हूँ कि जिंदगी की यही सबसे बड़ी नेमत है कि आज के दौर के अंदर फैमिली साथ बैठी हुई और कोई सी बात पे मुस्कुरा रही है। इससे बड़ी और क्या आज के दौर के अंदर, जो सब आर्टिफिशियल है। आपको पता है कि जितने बड़े बड़े टेक के हेड हैं, जिन्होंने ट्विटर बनाया, याहू, ये सब, इनकी डॉक्यूमेंट्री भी है, दे डोंट अलाउ देयर फोन्स इन देयर रूम। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने फोनों को अपनी गाड़ी में रख के घर में आते हैं, एंड डॉक्यूमेंटेड है ये सब। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को अलाउ नहीं करते कि फोन लेकर कमरों में रहे, एक जगह पे फोन रखो। क्यों? दे नो कि ये बर्बादी के लिए है। ठीक है, इससे फायदे भी बहुत हैं, बट यू हैव टू लिमिट इट, इसको आपको रोकना है। अभी बंदा ना खाना खा सकता है, ना बंदा नमाज पढ़ सकता है, ना बंदा को काम कर सकता, सोना भी मुश्किल है, टंग टंग हर वक्त, खाने में भी इसी को देख रहा है, एक दूसरे से बैठा हुआ है। और मियाँ बीवी के आपस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी तो वाइफ नॉट अलाउड, हमें डाइनिंग टेबल पे फ़ोन अलाउ ही नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि जो थोड़ी देर है उसको आप सही तरह, और वैसे भी खाना भी असर नहीं करता, आज जो हम लोग इतने बीमार रहते हैं ना, उसकी वजह भी यही है। खाना कैसे असर करेगा जब आप उसको, खाने के आदाब हैं। आप वो हदीस बहुत तुलानी है, वक्त ही मैं आपको बताऊँ, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, वज्जिल, बीबी ने बाकायदा 12 आदाब बताए हैं कि खाने के आदाब क्या होने चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ना ही तो सारी चीज़ें अलग है, खुद आदाब खाने के, उन आदाब के साथ खाएंगे तो ये खाना असर करेगा, फिर ये खाना तहज्जुद की नमाज में खड़ा करेगा, वरना ये खाना उठा फजर में भी नहीं उठने देगा जो इंसान उठता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये भी सवाल हो गया, ये भी सवाल, और कोई सवाल है तो ये सवाल है जी। मिक्स गैदरिंग में जो है वो समटाइम, जैसे सेमिनार है एग्जांपल, क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो वहाँ पर हिजाब की लिमिट क्या होनी चाहिए। बहरहाल जो देखें, जो हिजाब ज़ाहरी तौर पर इस्लाम हमें अलाउ करता है, वो हद अकल हिजाब हमारा होना चाहिए, वो आप हिजाब करके आएँ और हिजाब करें। और उसी तरह अगर तो क्वेश्चन आंसर में आपको अलाउ है कि आप सवाल वैसे पूछ सकते हैं, बेहतर ये है कि बहरहाल आप लिख के दे दें और टेक्स्ट कर दें। और अगर सिर्फ सेमिनार सिर्फ लेडीज़ का है तो उसमें खैर कोई शिकाल नहीं है कि आप सवाल जो है वो वैसे भी पूछ सकते हैं। इसका जवाब तो मैंने दे दिया। सलावत भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। सवाल है जी, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब मतलब बड़े हो गए 18 ईयर समथिंग, तो वो कहते हैं कि हमें डिसीजन जो है वो खुद ज़िंदगी के लेने। तो देखें, ये बच्चे को आपको शुरू से उसको इस काबिल करना है कि उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ आपने सिखानी है, यानी शुरू से। लाइक जब बच्चा छोटा होता है और थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आप उसको चॉइस सिखाएं। लाइक चॉइस कैसे है कि आप उसके सामने दो ड्रेस रखें, तीन ड्रेस रखें कि चूज़ इट, कि आज तुम क्या पहन के जाओ। हम क्या करते हैं, हम बचपन से उसके ऊपर डिसीजन थोपते हैं, यही पहनना है। वो कह रहा नहीं पहनना, कह रहा नहीं पहनना है, वो बेचारा वही पहन के जाता है। यहाँ जाना है, वो नहीं जाना, वो नहीं जाना है, ये खाना है, कितना नहीं खाना मुझे, नहीं ये खाना है। तो क्या होता है, वो उसके अंदर बढ़ता रहता है। और जब वो बड़ा होता है ना, वो कहता है अब तो मेरी बस, अब मैं खुद करूँगा। अगर आपने शुरू से उसको
ऑप्शन दिया होता या उसको डिसीजन मेकर, देखें आप उसके सामने चॉइसेस ही ऐसी रखें कि गलती ना करें। अब आप उसके सामने मतलब तीन ऐसी चीजें रखें जो उसके लिए नुकसानदेह नहीं है, तो वो उन तीनों में से चॉइस करेगा, मगर वो डिसीजन मेकर बनेगा। उसके अंदर ये क्वालिटी होगी कि मुझे ब्लैक और व्हाइट में से किसका इंतखाब करना है। तो जब ऐसा हो जाए तो बच्चा जवान हो जाएगा, मसला थोड़ी है, बच्चा जवान होगा, गलत नहीं फैसला करेगा। और देखें कुछ आपको उसके ऊपर छोड़ना भी तो है ना। अब आप हर वक्त उसको तो पैम्पर्ड नहीं कर सकते, आप हर वक्त तो नहीं पूछ सकते कहाँ हो क्या कर रहे हो, तो लिव हिम, उसको जाने दें। जब तक वो धक्के नहीं खाएगा जिंदगी में सीखेगा कैसे। हाँ आप उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें, आप उसको बोले नमाज पढ़ो इबादत पढ़ो बाकी जो करना है करो, खुद उसको रियलाइज होगा। अगर आप हर वक्त उसको पीछे भगते रहेंगे, जैसे आजकल जो बहुत सारी शादियां खराब होती हैं ना, उसमें पेरेंट्स का कसूर है। शादी हो गई, बेटा जवान है, क्या खाया, कहाँ गए, क्यों गए। वो जो शादीशुदा नई बीवी आई होती है वो कहती है मैं कहाँ हूँ, ये तो हर वक्त अपनी अम्मा की सुनता है। और अच्छे खासे लोग अपनी अम्मा की, बुरी बात नहीं है माँ की, लेकिन आपको माँ बाप को भी पर एक उस पर रखना है कि आपकी पर्सनल लाइफ में इतनी इंटरफेरेंस ना करें कि खाना क्या खाया, उठे कैसे, बैठे कैसे। इस तरह लड़की की वालदा भी ये करती हैं, लड़की की बहनें भी ये करती हैं। अच्छा शादी हो गई, सुबह क्या हुआ, रात क्या हुआ, शाम क्या हुआ, उसकी बहनें कैसी हैं, उन्होंने कैसा किया। आई लीव देम, छोड़ दो उनको, जीने दो, खुद फैसला करने देने। तभी यही होता है थोड़े दिनों बाद कर खराब। पहले होता था जब लड़ाई होती थी मियाँ बीवी में, शाम तक जब शौहर वापस आता था तो बीवी ठंडी हो जाती थी, चलो रिलैक्स। अभी तो शौहर घर से बाहर निकलता है फ़ोन कनेक्ट हो जाता है बस। तो आप देखें कैसे आप बनाए। माँ मोहब्बत करती है माँ, लेकिन ये मोहब्बत उसकी अपने बच्चों के लिए नुकसानदेह होती है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप बच्चे को डिसीजन मेकर बनने दें, बनने दें उसे, उसे दें। रिवायत में हदीस है प्रॉफिट से कि बेटा अगर गिरे तो उसे मत उठाओ, उसे खुद उठने दो, वो सख्तियों को बर्दाश्त करे। लेकिन बेटी गिरे ना फौरन उठाओ, क्यों, क्योंकि कल वो जहाँ जाएगी उसका नसीब कैसा होगा आपको नहीं पता। इस्लाम ये कहता है। तो हमें चाहिए कि हम बहरहाल इनको हार्ड टाइम में थोड़ा सा पलने बढ़ने दें। सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये कि बहरहाल लेके हम बच्चों को दिखाएं क्या, ये सबसे बड़ा इल्मिया है हमारे पास कि जब हम कहते हैं कि ये नहीं देखो वो नहीं देखो तो पब्लिक कहती है कि हम दिखाएं क्या। तो देखें दिखाएं क्या के लिए अभी तो बहरहाल कुछ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं। लाइक हमारे पास कुछ एनिमेशंस हैं यूट्यूब पे हैं, अरबिक हैं, पर्शियन है। पर्शियन ने तो खैर बहुत काम किया, अरबिक ने भी काम किया पर्शियन, लेकिन अब हमने अनफॉर्चुनेटली उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाए। तो ये आपकी अपनी, देखें आप एक कम्युनिटी हैं और बहरहाल अल्लाह ताला ने आपको इतना अच्छा सेंटर दिया, यकीनन ये आपके बुज़ुर्गों की और आपके एंसेस्टर की मेहनत और कुर्बानी है ये कि उन्होंने आपको इतना अच्छा डेवलप करके दे दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें इसके अंदर। हमें तो ये नेमत मिल गई है, तो इस नेमत का शुक्र ये है कि हम इसको एनहेंस करें, ना बिल्डिंग को बल्कि सिस्टम को एनहेंस करें। आपस में देखें कि हम कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं। अभी मसला मिसाल के तौर पर यही कि अगर हमारी कम्युनिटी में बच्चों की तादाद इतनी है तो हम इन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए सिर्फ स्कूल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूल भी इंपॉर्टेंट है सब अच्छा आपका, लेकिन बच्चों के लिए हमने कितनी स्टोरीज लिखी, हमने कितनी स्टोरीज को प्रिंट करवाया, हमने कितनी स्टोरीज को एनिमेट करवाया, या अगर एनिमेशन हुई हुई हैं तो क्या हमारी कोई ऐसी एक बॉडी है, हमारा कोई डिपार्टमेंट है या मीडिया डिपार्टमेंट को या फैमिली डिपार्टमेंट ने ट्रांसलेशन करवाई। यूट्यूब पे चीज़ें मौजूद हैं, पर्शियन में मौजूद हैं, अरबिक में मौजूद हैं, आइम्मा के ऊपर एनिमेशन हैं, स्टोरीज हैं उनके ज़िंदगी के वाक़यात पर, और बहुत ज़बरदस्त हैं वो। यानी बाज़ औक़ात आप 2 घंटे मजलिस पढ़ें आप उस बात को नहीं कर सकते जो 5 मिनट्स की एनिमेशन आपके बच्चे को मैसेज दे देती है, एक तरीका इखलाक का तरीका वो। तो क्या हम लोगों ने अभी तक सोचा इस बारे में कि हमारा कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जो इन चीज़ों को कन्वर्ट करे, जो इन चीज़ों को ट्रांसलेट करवाए। वो क्या हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ें हैं यूट्यूब पर, सबील किड्स भी है और उसके अलावा भी और हैं, तो काम हो रहा है, लेकिन स्टिल हमें खुद को भी कुछ करने की ज़रूरत है। जी okay,
I'll have to ask this in English, I guess. Sure, no problem. Two questions. One, some of us were parents when we were very young. So we were not what you call coached, as we are now very aware. Is it too late if our kids are adolescents heading towards university today? Is it too late now to change anything? As we always say, some things after a few years it's cemented on them. To change that makes it very difficult. Number one. Number two, you just said something about YouTube. I remember telling my son to go off YouTube so I could watch majlis on YouTube. Everything now is on YouTube, being Islamic and non-Islamic. Yes. These are tools. How do you explain an 8-year-old that YouTube is good when it comes to communal things or Islamic things, but YouTube is not good for what he wants to do? Yeah. How am I supposed to convince him that this tool, which are on social media, all social media, but at some point of time, our Quran khanis, our Quran classes, our majalises are all on the same tool. So how can an 8-year-old understand that YouTube is only good for things my dad wants me to hear? Switch off YouTube to, when he's doing something, to shift to YouTube for a majalis. So first question, jo aapne pucha, bharal ke bachche bade ho gaye, to dekhe, late to never it be late, late to kabhi bhi nahi hai. और लेकिन सख्त है, हार्ड हो जाता है डेफिनेटली. जब एक चीज़ डेवलप हो गई है तो उसको तरबियत करना इतना आसान नहीं रहता, लेकिन मुश्किल और नामुमकिन नहीं है. उसमें पेरेंट हैव टू डू देयर ओन जॉब. आपको अपना वजीफा अंजाम देना है. देखिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबी, लेकिन बेटा जो है वो नहीं सवार हुआ. परवरदिगार कुरान में कह रहा है कि आपका अहल नहीं है, यानी आपकी फैमिली में से नहीं है ये. ठीक है, इसी तरह हज़रत याकूब के बाकी बच्चे भी थे, हज़रत यूसुफ भी थे. बाकी बच्चों ने हज़रत यूसुफ को कुएं में फेंक दिया. तो हमारा वजीफ़ा, हमारी ड्यूटी है कि हम जिस लेवल पे हमें समझ में आ जाए कि ये बच्चे को हमें समझाना है, आप समझाएं उसको, प्यार से समझाएं, तरीके से समझाएं, इनडायरेक्टली या फिर ऐसा रास्ता ढूंढें कि जो शायद हो सकता है आपकी इतनी अच्छी बात नहीं सुनता, समटाइम वो किसी और फैमिली मेंबर को मेंटोर समझता हो, किसी और के साथ वो करीब हो, तो यू कैन टेक दैट वे आल्सो. बट स्लोली स्लोली आप इसको जारी रखें, इनडायरेक्टली स्कॉलर्स, दोस्त, या कहीं जॉब करता है, हो सकता है यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो किसी प्रोफेसर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो, किसी शख्सियत से इम्प्रेस हो, तो यू कैन टेक देयर हेल्प एक्चुअली. तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि इट्स नेवर टू लेट एक्चुअली. सेकेंड जो है वो आपकी बात बिल्कुल सही है. देखिए, सोशल मीडिया जितने भी सारे हैं मोस्टली टूल्स हैं, ठीक है, टूल्स अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन याद रखें ये जो ज़मीन है ना, यानी आप समझ ले ज़मीन से मुराद जो प्लॉट है या जो ये हिस्सा है, ये दुश्मन का क्रिएटेड है, ये याद रखें, ठीक है. एंड जब आप दुश्मन के मैदान में जाकर, उसके ग्राउंड में, उसकी बैटल फील्ड में जाते हैं, और जब आप जंग लड़ते हैं ना, तो इट्स नॉट ईजी टू विन. कुछ बैटल फील्ड उसकी है, उसकी बैटल फील्ड के अंदर आपको नहीं पता तीर किधर से आएगा, आपको नहीं पता जमीन से कहां से बाहर निकलेगा, आपको नहीं पता, क्योंकि बैटल फील्ड उसकी है. तो जंग कभी भी उस दुश्मन के बैटल फील्ड पर नहीं जीती जा सकती. यू हैव टू क्रिएट योर ओन बैटल फील्ड अगर आप चाहते. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला आए, इमाम हुसैन ने पहले करबला खरीदी है ताकि कल को यह कोई ना बोले कि इमाम हुसैन ने दूसरों की जमीन पर आकर यह कर ना. इमाम हुसैन ने जमीन खरीदी और अपनी जमीन पर जंग जीती है और जंग को अपने तरीके से प्लान किया. इमाम हुसैन को जबरदस्ती करबला नहीं लाया गया, इमाम हुसैन दुश्मन को करबला लेकर आए, बुलाया करबला, और 6 महीने के बच्चे के जरिए इमाम हुसैन ने वक्त के टायरेंट का नकाब खींच दिया, सिर्फ 6 मंथ ओल्ड. हाउ यू प्ले एक्चुअली. तो ये जो बैटल फील्ड है, ये ठीक है हमारे लिए, हम इस्लामिक भी है, मजलिस भी है, नोआ भी है, एवरीथिंग इज देयर बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. या हमारे पास ऑप्शन भी है तो हमने उसको इतना काम नहीं किया. वी हैव वेबसाइट, वी हैव थिंग्स, ठीक है, जिस तरह बाज नेशन कर रही है, चाइना एवरीथिंग ऑन, उन्होंने अपना इंटरनेट बनाया, इंटरनेट अलग है, ईरान उनका अपना इंटरनेट अलग है. ईरान को आप सब बंद कर दें, वो दे डोंट, उनको प्रॉब्लम ही नहीं है, उनकी ना बैंकिंग सिस्टम प्रॉब्लम में जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगा, उनका अपना ही क्लाउड है. अब तो उन्होंने हर चीज ही अपनी कर दी, सैटेलाइट भी अपनी बना दी है.
तो बात ये है कि हम खुद, एक तो ये कि हमें अपने बच्चे को ये सिखाना, जिस तरह हम देखें हम बच्चे को सिखाते हैं कि अभी सर्दी हो रही है तो यू हैव टू वेयर जैकेट, अभी गर्मी हो रही है बेटा टी शर्ट पहननी है, व्हेन यू आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल तो आपके शूज़ अलग होने चाहिए, बच्चे को समझ में आता है। बच्चा ये नहीं कहता कि मुझे टेनिस के जूते पहन के जाऊँगा या स्विमिंग के चप्पल पहन के जाऊँगा, नहीं जाओ, क्यों, उसको नज़र आ रहा है। जब उसके सामने खाना रखते हैं तो बेटा पिज़्ज़ा है, ये बर्गर है, ये पेप्सी है, ये कोक है, उसको समझ में आता है। वो आपसे नहीं पूछता कि खूब हमें सर्दियों में चाय क्यों पिलाते हैं, गर्मियों में मुझे आप ड्रिंक क्यों पिलाते हैं, नेवर, बिकॉज इट्स नेचुरल। ये आपको उसको ट्रीट करना है, बेटा ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, तुम्हारी मर्जी है। जब तक वो आपके उसमें है तो यू हैव टू ट्रीट, आपको उसको सख्ती भी कर सकते हैं, आप उसको समझा भी सकते हैं, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो यू कांट डू एनीथिंग। लेकिन वो जो आपने उसकी तरबियत की होगी वो खुद उसको रियलाइज करेगी कि ये अच्छा है ये बुरा है। तो आप उसको YouTube मना नहीं कर सकते, आप उसको बता सकते हैं बेटा YouTube पे ये चीज़ें अच्छी हैं, सिर्फ मजलिस मातम अच्छा नहीं है, मतलब सिर्फ मजलिस मातम ही है, उसको डॉक्यूमेंट्री देखे, उसमें एजुकेशन है, उसमें रिसर्च है, उसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं दुनिया के, डिफरेंट टॉपिक्स पर है, मैथ्स पर है, फिजिक्स पर है, गिव हिम अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप सिर्फ एक इस्लामी शक्ल दिखाएंगे बार बार तो वो भी बोलेगा भाई मुझे, अभी देखे ना बच्चों को क्या इशू सबसे ज़्यादा इस टाइम, कि हम चीज़ें छीनने के चक्कर में तो हैं बच्चों से, बट वी आर नॉट गिविंग देम ऑल्टरनेट। आप बच्चे से आप ले लेते हैं, आप बोलते हैं काउंटर स्ट्राइक नहीं खेलोगे, ये नहीं खेलोगे, वो नहीं खेलोगे, तो भाई वो क्या खेले। तो अभी तो शुक्र है आपके पास तो यहाँ चलो प्लेइंग एरिया ग्राउंड है, बट माइंड गेम्स, क्या हम बच्चे को माइंड गेम्स बुला रहे हैं, फिजिकल माइंड गेम्स, और क्या आप खुद बैठते हैं उसके साथ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि महीने में 15-20 दिन में एक दफ़ा बच्चों के साथ फिजिकल माइंड गेम्स, स्ट्रेटेजिकल जो गेम आते हैं, बहुत गेम्स हैं, बहुत हैं, आप अमेजोन पे जाएं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, खर्च इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, $50, $60, बहुत $100। आप माइंड गेम्स खेलें बच्चों के साथ, आप देखें उनका ब्रेन भी होगा एंड यू विल एंजॉय, फैमिली सिटिंग विद यू, एवरीबडी इज प्लेइंग। आप एक दूसरा, बच्चों के अंदर एक आर्ट छुपा हुआ है, उस आर्ट्स को बाहर निकालें। हो सकता है बच्चा पेंटर बहुत अच्छा हो, गिव हिम रूम, जाके चीजें दें उसको, करे पेंट। छोटा बच्चा जब आता है ना आपके लिए, जब आप बीइंग एज अ पेरेंट, छोटी बेटी मेरी आती है ना, क्या करती है, जस्ट लाइन लाइन खींचती है और आती है, कहती है बाबा आई मेड इट। अब आप क्या कहते हो, ये लाइनें हैं, लेकिन वो उसकी क्रिएटिविटी है, आप उसको मोटिवेट करना होता है, तो वाओ जबरदस्त, व्हाट अ ब्रिलियंट कलर्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल। अब वो अंदर क्यों, क्योंकि उसकी तखलीक है वो। अब कोई उसकी, पेरेंट्स क्या करते हैं, ये क्या उसने आपको दिया, आपने कागज में रख दिया, आपने उसकी पूरी तखलीक तबाह कर दी, वो ब्रेक हो गया। आप उसको रूम दो, उसको बनाने दो, देखो उसके अंदर क्या है, आर्ट बाहर निकालें। हो सकता है कोई राइटर अच्छा हो, गिव देम रूम, आप उसको नॉवेल्स ला के दो। कि हम अपने बच्चों को कितने नॉवेल्स ला के देते हैं, खुद कितना मोटिवेट करते हैं बच्चा नॉवेल पढ़े, चाहे वो नॉवेल फ्रेंच हो, चाहे वो नॉवेल कोई भी हो, आप उसको उसको इमेजिनेशन पे जाने तो दें, फिक्शन पे जाने दें, फिक्शन इज नॉट बैड, बट आप जब वो ये फिक्शन देखेगा तो फिर आप वो इमाम ज़माना के लिए फिक्शन क्रिएट करेगा कि इमाम ज़माना के लिए मुझे क्या करना है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, प्लस अभी बच्चों को प्रॉब्लम क्या है कि वो मेलोडी और म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें, वो दुनिया जान के अंदर चीज़ें अब आई हुई हैं, ज़ाहिर है आप उसको कैसे डिनाई करेंगे आप चीज़ों को। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उसको नोट्स की तरफ लाना पड़ेगा, बहरहाल जो भी आप जिसकी भी मराजे की तकलीद करते हैं उसके हिसाब से आपको, देन यू हैव टू गो, यू हैव टू सीन के भाई मुझे उसको रूम देना है। आप जब उसको रूम दोगे तो वो गलत नहीं जाएगा। अब आप ऐसा सारी चीज़ें आप हर वक्त, तो आप ज़ाहिर है नवा मजलिस तो नाते तो नहीं सुनोगे, तो आप क्या सुनोगे, आप बोले फोक सॉन्ग सुनता हूँ, अभी इमाम अली पे कोई चीज़ सुनता हूँ, तो जो इमाम अली पे पढ़ रहा है वो ज़ाहिर है वो उसके पीछे एक इंस्ट्रूमेंट तो है। अब आप उस इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं सुन रहे, ठीक है उस कलाम के लिए सुन रहे हैं, बट उस कलाम को जो फ्लोट दे रहा है वो एक इंस्ट्रूमेंट है पीछे बैक साइड, तो ज़ाहिर है वो, अब उसको वहाँ रूम तो चाहिए उसको, आप उसको तो नहीं कह सकते कि वो कहाँ, फिर अगर आप इतना दबाते हैं उसको तो कल को वो फटता कहीं और है। जब आप उसको चीज़ें नहीं दे रहे होते नॉर्मलाइज तो वो फिर कहीं और जाता। आज बच्चे को देखें, आप आपका जो बच्चा है अभी से उसको आपके उसके जहन को इतना क्रिएट करना है कि कल वो इमाम ज़माना के लिए किस डिपार्टमेंट में जॉब करेगा, ये आपको अभी से करना है।
क्योंकि अभी हमें स्पेशलाइज्ड चाहिए, अभी हमें ऑलराउंडर नहीं चाहिए। अभी से आपका बच्चा अगर सोर्स कोडिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट्स को ड्राइव करता है, मेक करता है, कार मॉडलिंग करता है, एयर स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ जाता है, पॉल्यूशन कंट्रोल की तरफ जाता है, सिटी डेवलपमेंट की तरफ जाता है, नॉइस कैसे कंट्रोल किया जाए शहरों के अंदर। आपके शहर में इतना ट्रैफिक है मगर आपके शहर में, आपके मुल्क में, चाहे वो लोकल्स हों चाहे वो आप लोग, मतलब नोबडी इज देयर टू हाउ टू कंट्रोल दिस ट्रैफिक। कल 5 साल बाद कितना होगा, 10 साल बाद कितना होगा, वट वी हैव एनी सोल्यूशन फॉर दिस और नॉट। तो हम आने वाली नस्ल में सारी चीज़ों का सोल्यूशन चाहिए। आज एलन मस्क जो है वो ज़मीन के अंदर खोद खोद कर रोड बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि ज़मीन में साउंड नहीं आएगा, गाड़ियाँ नीचे से जाएंगी, खामोशी होगी। क्योंकि आप ब्रिज बनाते हैं, स्टिल ब्रिज क्रिएट नॉइसेस, शोर है, पोल्यूशन है, ज़मीन के अंदर चलने वाला ना शोर है ना नॉइस है ना कुछ है, ज़मीन खामोशी हो। आइदर वी आर थिंकिंग लाइक दिस फॉर दैट एपोकलिप्स, जो हमने कूफा जो है वो इमाम का सेंटर होगा, तो क्या हम ये सोच रहे हैं इसके बारे में? नहीं सोच रहे। कौन सोचेगा? कौन सी नस्ल सोचेगा? मेरा, मैं तो अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ, अपने बच्चे की इमिग्रेशन या उसकी बस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सोच रहा हूँ। तो इमाम ज़माना के लिए मैं कैसे, मुझे बहुत ब्रेन हाई चाहिए इस टाइप। और ये ब्रेन हाई तब होगा जब ये फजूल चीज़ों में अपने आप को इंगेज नहीं करेगा, तब खुदा भी इल्हाम करता है आपके ऊपर। आप 2 रकात नमाज पढ़ें, उस खुदा आपके ऊपर खुद इल्हाम करता है कि व्हाट यू हैव टू डू फॉर इमाम। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। खूब ये सवाल भी बहरा हर जगह ही है कि माँ बाप जो है वो मजलिस से मोहब्बत है, आज़ादारी से मोहब्बत है, लेकिन बच्चों को नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो बच्चों को मजलिस से मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो बच्चा कहाँ से मोहब्बत करेगा? बच्चों को साथ आप उसको उस तरह की नहीं करवाएंगे। देखिए, बच्चे को एक्टिविटी चाहिए, जब वो आता है उसको आप एक्टिविटी दें। मिसाल के तौर पर अब मजलिस में आता है तो आप घर के अंदर भी उसको ट्रीट करें। फिर उसको एक बैरियर लैंग्वेज का, वैसे तो खैर मोस्टली आई नो कि आपके जो लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, ठीक है, लेकिन ये कि उसके साथ साथ आप उसको बहरहाल उर्दू भी सिखाएं, उसको उर्दू सुनाएं उसको। आपने भी तो उर्दू अपने माँ बाप अपने अबाजदाद सीखी है, उर्दू मादरी जबान तो नहीं है सबकी, बट आपने सीखी है। जो बेस्ट कंटेंट है वो आपको समटाइम उर्दू के अंदर मिलता है, इंग्लिश में भी। ऐसा नहीं कि हमारे बहुत अच्छे स्कॉलर्स हैं इंग्लिश के अंदर भी, लेकिन समटाइम वो जो चाशनी है उर्दू की अपनी है। आप इंग्लिश के अंदर बहुत कुछ कर लें लेकिन बाज़ोकात वो फीलिंग क्रिएट नहीं हो पाती है। बहुत सारा कॉन्टेंट भी मिस हो जाता है इंग्लिश के चक्कर में, क्योंकि वो इंग्लिश बड़ी क्लासिकल होने के चक्कर में, स्टेप बाय स्टेप के चक्कर में ना बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो ये हमारे है कि हम एक तो बच्चे को लैंग्वेज सिखाएं इसलिए उसको अटैचमेंट हो, दूसरा उसको बहरहाल इस तरह, दूसरा ये कि उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको क्रिएट करेंगे। हालाँ ये आज़ादारी अगर समझ में नहीं भी आ रही ना, तो यहाँ बैठना बेटा अदब का तकाजा है, ये अदब उसको बचाएगा। अगर आप उसको बोलेंगे नहीं नहीं ठीक है मस्जिद में आ रहे हो, तुम टैबलेट पकड़ लो खेलते रहो, खैर अभी तो खैर सेशन आपका था बच्चों का नहीं था, ज़ाहिर बच्चों का सेशन अलग होना चाहिए, बच्चे अभी तो आपने ज़ाहिर उनको खेलना है क्योंकि आपका सेशन है, लेकिन इसी तरह जब उनका सेशन हो उनको भी सिखाएं, उनको रूम दें, वो क्वेश्चंस कर सकें। आपके जो भी लोकल स्कॉलर हैं, रेजिडेंट स्कॉलर हैं, उसके साथ उनको इंगेज होना चाहिए। स्कॉलर्स के साथ या जो भी आपके मेंटोर हैं या जो कम्युनिटी में ऐसे यूथ हैं, बॉयज़ हैं, उनके साथ बच्चों का अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सीखते वही हैं, खेल खेल में सीखते हैं। मैं हमेशा, अभी तो कोविड हो गया बहुत सी जगहों पे ज़्यादा ट्रैवलिंग उस तरह नहीं, वरना मैं अक्सर ये सतवा जब दुबई जाता था, ये जो अफ्रीकन हैवी सेंटर सारा, उनका हमेशा फुटबॉल के मैच होता रमज़ान में 2 वीकेंड्स में, मैं हमेशा बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता था। वो बच्चे मुझे मौलाना इज़ प्लेइंग विद अस, उनके लिए कितना वो एक अच्छा होता है कि मौलाना जो है वो मस्जिद पढ़ता है हमारे साथ खेलता भी है, तो उनको लगता है कि हाँ ये भी इंसान ही है, खेल वेल भी सकते हैं। तो उनको फिर होता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं फिर अच्छा काम, यानी हम बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो आपको भी, अब आप अगर कम्युनिटी के लीडर हैं या कम्युनिटी में आप बड़े हैं और आप बच्चा है, हम सलाम भी नहीं किया बच्चे को, ओ भाई उसके सर पे हाथ फेरें, उससे सलाम करें, उससे प्यार करें, उससे पूछें हाउज एवरीथिंग हाउज द डे, तो बच्चा आपका आशिक हो जाएगा। वो बोलेगा मुझे तो फलाने अंकल से मिलना है, फलाने उसे मिलना है। लेकिन अगर आप मुँह लिफ्ट ही नहीं कराएं, बेचारा बच्चा यूं गया यूं गया यूं गया, तो कैसे होगा मुझे आप बताएं, कैसे आप कम्युनिटी बिल्ड करेंगे? तो जब आप ऐसे करेंगे बच्चे का दिल चाहेगा मस्जिद भी आऊं, मॉस्क भी आऊं। ख़ास तौर पे बच्चा जब मस्जिद में आए, आप नमाज के बाद उससे पूछें हाउ आर यू,
हाउ इज योर फीलिंग, हाउ इज एवरीथिंग, उसका दिल जाएगा मैं मस्जिद में नमाज, ना कि आप बोले मस्जिद में शोर नहीं करो, मस्जिद में यूं नहीं करो, मस्जिद में ये नहीं करो। बच्चा है सजदेगा लेके भागे, भागने दें उसको, उसको खेलने दें सजदेगा से, क्या वरना फर्क पड़ता है। हमारे बाद बुजुर्ग नाराज जाते हैं, क्या बच्चों को ले आते हैं आप सजदेगाओं को, खेल रहे हैं, खेलने दें। आज अगर आपने इसको यहाँ से भगाया, कल सारी जिंदगी मस्जिद नहीं आता वो, तो उसको आने दें, शोर मचाने दें बच्चों को, क्या है। एक बच्चा अगर पनायान मजलिस पढ़े थे गाले में, बच्चा माँ ये खवातीन की तरफ से ना पर्दा हटा और बच्चा आ गया एकदम, और बाबा 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 किलीद कुजास। अब वो अब्बा चाबी, अब्बा के पास रह गई होगी, अम्मा को चाबी की ज़रूरत होगी की की, तो बच्चा शुरू हो गया बाबा चाबी कहाँ है, किलीद कहाँ है, किलीद कुजास, सारा मजमा हंसने लग गया। अरे एकदम सीरियस मजलिस हो रही है, बच्चा आके बोल दे चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, लोग हंसने लग गए। आगा पनायान भी, आगा पनायान, आगा पनायान ने कहा कि बच्चा सही कह रहा है, चाबी कहाँ है, जन्नत की चाबी कहाँ है। तो अब आप अभी कोई और होता भागो यहाँ से, क्या बच्चों की तरबियत नहीं करते आप, बच्चा नहीं, उन्होंने बोला था ना सही कह रहा है बच्चा। और उनकी तो वीडियो भी फेमस है, एक बच्चा आया मेंबर पे चढ़ते चढ़ते उनकी गोद में बैठ गया और उन्होंने पूरी मजलिस पढ़ दी, हाँ बच्चे को प्यार से बेटा सुला दिया उसको वहीं पर, उन्होंने बोला वो क्या, वो बच्चा सारी जिंदगी क्या सोचेगा सर, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये मजलिस। और जिस मजलिस आप उसको भगा दें वो बोलेगा सारी जिंदगी मजलिस नहीं सुननी मैंने। तो ये हमारा अपना बिहेवियर है, वाह बच्चे क्यों नहीं आ रहे, बच्चे क्यों नहीं मस्जिद जाते, बच्चों को क्यों नहीं हम ऐसा माहौल देते। तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम इसको, अजीब अजीब से सवाल है भाई, ज़्यादा तो बोलो तो ये ना अगली दफ़ा बुलाए भी कोई नहीं मुझे, सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये देखें एक सवाल, सोसाइटी का सवाल है ये, एक और सोशल प्रॉब्लम हमारे यहाँ है कि जब हम अपनी बेटी की शादी करते हैं ना जिस घर में, तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटी तो बड़े शहजादियों की तरह रहे, लेकिन जब दूसरी की बेटी हमारे घर आती है ना तो ये हम लॉ चेंज कर देते हैं, फिर उसको हम शहजादी की तरह ट्रीट नहीं करते, उसको हम सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ये भी करेगी वो भी करेगी, ये क्यों नहीं करेगी, मेरे बेटे को ना लेके भाग जाए। ये ड्यूल जो हमारे यहाँ है ना, ये मुनाफिकत है, बहुत मुनाफिकत है, और ये बहुत ज़्यादा मज़हबी घरानों में भी पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है, बहुत मुनाफिकत है। मैं तो सुबह शाम डील करता हूँ, यानी आपकी अपनी बेटी गई है तो और दूसरी जो बेटी आई है उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा है, आप उसको वैसे ही ट्रीट करो, आप अगर उसको शहजादी ट्रीट करोगी तो वो भी शहजादी रहेगी वहाँ पर, आप अपना फ़र्ज निभाओ। देखें रोज़ क़यामत में आप शायद अभी टाइम हमारे पास इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड, बहरहाल एक दास्तान से मैं आपको रियलाइज़ कराऊँ कि हम शायद दुनिया में रियलाइज़ नहीं कर रहे कि व्हाट वी आर डूइंग, ये जो हम कर रहे हैं ना ये सब सेफ हो रहा है, सेफ। अच्छा ये जो सेफ हो रहा है ना, ये क़यामत वाले दिन तो खुलेगा, ये तो अलग चैप्टर है, लेकिन उससे पहले कब्र के अंदर जो है ना मामला बहुत खतरनाक है, आलम बरज़ख। जो आप रवैया इख्तियार कर रहे हैं ना किसी के साथ, चाहे आपका सबऑर्डिनेट हो, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपकी औलाद कोई भी हो, ये सब रवैया वहाँ पर शक्ल बन रहा है। अगर मेरा एटीट्यूड आपके साथ अच्छा है ना, तो मैं अपनी कब्र के अंदर एक अच्छा इंसान बना रहा हूँ। अगर मेरा एटीट्यूड, चाहे मैं बाप हूँ, चाहे मैं अपनी बहू के साथ, चाहे एक सास अपनी बहू के साथ रवैया ख़राब कर रही है ना, वो सिर्फ अपनी दुनिया ख़राब नहीं कर रही, वो अपनी कब्र ख़राब कर रही है। अच्छा कब्र में होगा क्या, कब्र में आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस बहुत लोगों को है, हुआ है, और बाकायदा आप देखेंगे कि सिर्फ मुस्लिम नहीं नॉन मुस्लिम्स को भी है आफ्टर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं, आप देखेंगे आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। एक सीरीज़ थी उसको मैंने देखा, तो एक शख्स था, उसको ये होता है जैसे एक्सीडेंट हो गया, किसी का ऑपरेशन था, किसी को कोमा में चला गया, तो वो क्या होता है कि वो किसको एक्सपीरियंस होता है कि वो दे गो टू द बरज़ख़,
वो बरज़ख चले जाते हैं, ठीक है। बुक भी है, 3 मिनट्स ऑफ जजमेंट, वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो गई है, PDF भी आ गई है, नहीं है तो ग्रुप में मैं शेयर करूँगा, आप सब उसको पढ़िए, इंग्लिश में भी है उर्दू में भी है, उसके अंदर भी है ये एक्सपीरियंस बताया गया है। 3 मिनट उसका ऑपरेशन हो रहा था, उस ऑपरेशन में डॉक्टर डिसीजन ले रहे थे कि व्हाट टू डू, किस तरह करना है, तो उस 3 मिनट उसकी मौत थी असल में वो, लेकिन वहाँ जो बरज़ख में उसने देखा वो बहुत लंबा है, 80-90 पेजेस की बुक है। इसी तरह एक शख्स को कहता है कि मैं कोमा में चला गया और मैं एकदम देखा, तो मैंने देखा कि मैं एक जगह पे हूँ जहाँ पे एक टेबल है, उस टेबल पे कुछ लोग बैठे हुए, तो मैं समझ गया कि मेरा हिसाब किताब हो रहा है, यानी अब शुरू हो गया। वो कहता है कि उन जो लोग बैठे हुए थे ना, उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और वो मेरे करीब आया। जैसे वो मेरे करीब आया, उसने अपनी आँखों में मेरी आँखों में डाली, और वो कहता है कि जब वो बता रहा था तो उसकी हालत ख़राब हो रही थी, जब वो इंटरव्यू दे रहा था, वो कहता है कि वो इतना खौफनाक चेहरा था उस शख्स का कि दुनिया में जो वुल्फ है ना, वुल्फ वो खूबसूरत है, वो इतना भयानक था, इतना हॉरर था वो। उसने कहा मुझे कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ मेरी तरफ इशारा किया और मेरी वाइफ का नाम लिया, कहा कि तुम अपनी वाइफ के साथ बदकलाम क्यों हो, यानी तुम्हारा जो गुफ्तगू का लेवल है वाइफ के साथ अच्छा क्यों नहीं, बस ये कहा। कह रहा उसके बाद ख़त्म हो गया, मैं आया, कह रहा है वो इतना भयानक चेहरा था, अभी भी मैं सोचता हूँ मेरे हालत ख़राब हो जाती है, सिर्फ ये पूछा उसने मुझसे। तो ये जो हम दुनिया में कर रहे हैं ना, ये जो बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बहू सास नंद, बड़े मज़े आ रहे होते हैं ना हमें, फ़ोन पे चुटकले और बुराइयाँ, ये सब कब्र में ऐसा बाहर निकलेगा, तौबा, कोई नहीं बचाएगा फिर वहाँ, बेहतर यही है तौबा कर लें यहीं, तो पता नहीं है अभी उठ के मर जाएँ, भरोसा तो नहीं है, नोबडी नोज आफ्टर लाइफ कब ख़त्म। इसीलिए अपना किरदार अच्छा रखें, अपना अखलाक अच्छा रखें, कब्र में कोई नहीं बचा पाएगा अखलाक की वजह से। मैं बस टाइम नहीं, इंशाल्लाह आने वाली मजलिसों में कोशिश करूँगा कि हदीस आपकी खिदमत में बयान करूँ, वरना कुछ यूट्यूब पे मौजूद है मेरी मजालिस आलम बरज़ख की। ज़बान सबसे ख़तरनाक है कब्र के लिए, अजाब कब्र के अंदर ज़बान की वजह से सबसे ज़्यादा। गुनाह कबीरा आयतुल्ला दस्तगैब की जो किताब है, उसमें ज़बान के गुनाहों की तादाद सबसे ज़्यादा है। तो ये ज़बान ही तो है, लड़ाइयाँ कराना, एक दूसरे के साथ बिहेवियर नहीं करना, इन लॉज मदर इन लॉ नाराज़ हैं, सुनती नहीं है, टीज़ करना एक दूसरे को, छोड़ दें इसको, ज़िंदगी थोड़ी सी है, आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगी, बेहतर है मोहब्बत से रहे, अगर कोई गलत करता है माफ़ कर दें, क्या है। तो ये ज़रूरी है कि हम इसको डेवलप करें और अपनी नस्ल की तरबियत करें, अपनी बेटियों की तरबियत करें, अपने बेटे की भी तरबियत करें। और कोर फैमिली जो है ना, इस्लाम कहता है कोर फैमिली, आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे हैं कोर फैमिली, पहले आपको इसको देखना है, फिर एक्सटेंड होता है पेरेंट्स, फिर एक्सटेंड होता है दूसरे रिश्तेदार, ये हैं। आप अगर इसको हिला देते हैं ना, तो आप अपने माँ बाप के साथ भी सही नहीं है, कुछ भी कर लें आप बहन भाइयों के साथ, फर्स्ट आपको इसको सही करना है, ये सही हो फिर आप उसको, सबको उसके बैलेंस पर रखें, बहन भाई जान कुर्बान सब कुछ करें उनके लिए, आप हेल्प कर सकते हैं, बट डोंट अलाउ देम टू इंटरफेयर योर फैमिली। पेरेंट्स मोहब्बत, माँ बाप के कदमों में जन्नत है, माँ बाप का एहतराम करें, बाप के आगे उंगली ना उठाएं, बाप का नाम ना लें, बाप के लिए खड़े हो जाएं, बट सेफ योर ओन ऑक्टोपस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग इसको ख़राब कर देते हैं इन चीज़ों के चक्कर में, एट द एंड खुदा ने यह सवाल करना है, इसका क्या किया तुमने। सलावत वेद मोहम्मद वाले मोहम्मद। टाइम हमारा फिनिश हो गया और तशनगी बाकी है, आपके चेहरों से नज़र आ रहा है, तो इंशाल्लाह खुदा हमें फिर तौफीक देगा, अलबत्त वी हैव मजलिस तो हैं हमारी अभी एक दो और, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसमें गुफ्तगू करें, और बहरहाल कोई भी फिर भी सवाल आपके जहनों में हो तो आप रिटन लिख के पहुँचा सकते हैं मुझे, तो मैं जो हूँ वो जहीर के ज़रिए से या जो भी लेडीज़ हैं उनके ज़रिए से जवाब आपकी खिदमत में पहुँचा दूँगा। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।